जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं मघा नक्षत्र के अंदर नवक ग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना आवश्यक होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से चरण में बैठा है, तब जाके सटीक फलादेश कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मघा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब मघा नक्षत्र में बैठे हो तो क्या फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में पैदा हुआ हो उसे कौन से व्यापार में जाने से लाभ होता है, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। तो आइए जानते हैं मघा नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी। मघा नक्षत्र का दशानाथ है केतु ग्रह देवता, अर्थात जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि वो केतु की विंशोत्री महादशा में पैदा हुआ है, और केतु की विंशोत्री महादशा 7 वर्ष की होती है। मघा नक्षत्र के देवता है पितृदेव, अर्थात जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में पैदा हुआ हो अगर वो व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य के लिए जाता हो, कोई भी मांगलिक कार्य के लिए जाता हो, तो उसे अपने देवता पितृ को याद करना चाहिए, और उसका मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। ये मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करके और फिर शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए जाना चाहिए, तो उसके काम में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मघा नक्षत्र की आकृति है सिंहासन, यानी कि राजा की गद्दी। मघा नक्षत्र का जो अधिपत्य है वो हमारे शरीर के ऊपर है, हमारा हृदय, पीठ, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद हमारा स्पाइन, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी और महाधमनी, इसके ऊपर मघा नक्षत्र का अधिपत्य है। मघा नक्षत्र के चारों चार चरण सिंह राशि में आते हैं, और सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य ग्रह देवता है। मघा नक्षत्र की योनि है उंदीर, गण है राक्षस, युजा है मध्य, नाड़ी है अंत्य, तत्व है जल, पुरुषार्थ है अर्थ, वृक्ष है बरगढ़ यानी वटवृक्ष। मैं आपको यह बता देता हूं कि मघा नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज्यादा काम करती है, एक है उनका दशानाथ है केतु और दूसरा है राशि स्वामी सूर्य। तो मघा नक्षत्र के ऊपर दशानाथ केतु और राशि स्वामी सूर्य, ये 2 ग्रहों की बहुत ज्यादा ऊर्जा काम करती है। अभी हम लोग जानेंगे मघा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी गहराई से जानकारी। मघा नक्षत्र की आकृति है सिंहासन, इससे ये पता चलता है कि ऐसे लोग ज्यादातर सुखी घर में जन्म लेते हैं, और जन्म से ही उन्हें सारे सुख सुविधा के साधन प्राप्त होते हैं, और ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष के बाद अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन होते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। मघा नक्षत्र का जो गण है यह है राक्षस गण, इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा भौतिक सुख, सांसारिक सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजों के इच्छुक होते हैं। इनमें सुख भोगने की लालसा एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। मघा नक्षत्र का जो तत्व है वो जल है, इससे ये जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही सरल, बहुत ही पारदर्शी, अच्छे विचारों वाले, सच्चे मन के लोग होते हैं, और उतने ही स्वभाव से दयालु, उदार, सेवा भावी होते हैं, सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं। मघा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ, इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति लोग एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। इन्हें ये पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए,
और पैसे के मामले में ये लोग इतने होशियार होते हैं कि कम समय के अंदर धनवान यशवान बन जाते हैं। मघा नक्षत्र का जो वृक्ष है यह है बरगद। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि अपने घर के आंगन में या फिर अपने खेत के अंदर या फिर अपने फार्म हाउस के अंदर अगर ये वट वृक्ष यानी कि बरगद का झाड़ लगाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग आएंगे कि नवग्रह देवता जब मघा नक्षत्र के अंदर बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य अगर मघा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है यह सिंह राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है। इसलिए जब भी सूर्य मघा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले लोग होते हैं। उनके जन्म के बाद उनके पिता की आर्थिक उन्नति बहुत अच्छी होती है, पिता का भाग्योदय भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर गवर्नमेंट नौकरी करने से लाभ होता है या फिर गवर्नमेंट से लगते कामकाज में जाए तो उन्हें बहुत फायदा होता है। मैंने काफी लोगों की कुंडली में देखा है कि अगर सूर्य मघा नक्षत्र में हो तो उन्हें कायदा, कानून, कोर्ट, कचहरी जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है और मान सम्मान भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे चंद्र ग्रह के ऊपर। अगर चंद्र ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा और चंद्र को रानी माना गया है और ये दोनों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो जब चंद्र मघा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। दूसरों को सुख दुख में मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इन्हें खानदानी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर, मकान, दुकान, खेती जैसी चीजें इन्हें मिलने की संभावना ज्यादा होती है, यानी कि पैतृक संपत्ति इन्हें मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 वर्ष से शुरू हो जाता है और 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और 36 वर्ष के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए मंगल अगर मघा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बहुत ही लाभ मिलता है और सफलता भी प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, CRPF, BSF, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से इन्हें मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अगर कोई बच्चे की कुंडली के अंदर मंगल मघा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए तो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। ऐसे बच्चे अगर कोडिंग क्षेत्र में जाए तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। जिनकी भी कुंडली में मंगल मघा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद से लगते कामकाज में कोई भी काम करे तो उन्हें बहुत फायदा होता है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का धंधा करे, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, जमीन की खरीदी करे, बेचे, तो उन्हें बहुत लाभ होता है। और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय
28 साल से शुरू होता है, 36 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और 38 वर्ष के बाद मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम आते हैं चौथे नंबर पे बुध। अगर बुध ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध होता है और सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है। तो बुध जब मघा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में जब भी कोई संतान का जन्म होता है तो वो संतान बहुत नसीबदार होता है और वो बच्चे के जन्म के बाद उसके पिता का भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। इनके पास मैनेजमेंट स्किल यानी कि मैनेजमेंट की जो कला है बहुत अच्छी होती है। ये अपनी मीठी वाणी से काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं और वो बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें गुण शास्त्र में भी बहुत रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और इनकी बोली हुई काफी सारी बातें भी सच हो जाती है। अभी हम आते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। अगर गुरु ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो भी निश्चित अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि गुरु का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध होता है। तो गुरु जब मघा नक्षत्र में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति विद्या और ज्ञान के माध्यम से धन अर्जित करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर महारत हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होने के बाद एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, अध्यापक, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, डॉक्टर, वकील, सीए जैसे प्रोफेशनल कार्य में जाए तो भी इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 वर्ष से शुरू हो जाता है। 28 साल के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, 38 वर्ष के बाद समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि अगर ये लोग परोपकार का काम करें यानी कि दूसरों के उद्धार के लिए कोई कार्य करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो उतना अच्छा फल नहीं देता जितना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र का राशि स्वामी सूर्य के साथ शत्रुता का संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई जब करने जाते हैं तो पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते और 100 में से 95% लोग मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते और जो 5% मास्टर डिग्री हासिल कर भी ले तो उन्हें उसका फायदा ठीक से नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। इनको विजातीय लोगों से जल्दी आकर्षण हो जाता है लेकिन उन्हें प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होने के बाद कोई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नाटककार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि अगर ये लोग मौज शौक से लगता धंधा करें या फिर स्त्री की सुंदरता से लगता कोई भी धंधा करें, कोई भी व्यापार करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। शनि ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता है, बहुत खराब फल देता है। क्यों? क्योंकि शनि का राशि स्वामी सूर्य के साथ शत्रुता का संबंध होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर
बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें कमजोर होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति पढ़ाई करने जाते हैं तो पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होने के बावजूद, पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें वो एप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक बात देखी है कि इन्हें बुरी आदतें आसानी से लग सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, तो इन्हें बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए। अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। अगर राहु मघा नक्षत्र में बैठा हो तो भी अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि सूर्य के साथ उसका शत्रुता का संबंध होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए कायदा कानून, कोर्ट कचहरी में जाके लड़ना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के कुटुंब में हमेशा अपनों के साथ लड़ाई, झगड़े, कंकास, कलेश लगा रहता है। इन्हें कुटुंब का प्यार और कुटुंब का साथ जल्दी नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, और टेंशन के वजह से शुगर की बीमारी भी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। अभी हम आते हैं केतु ग्रह के ऊपर। अगर केतु ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि दशानाथ भी केतु है, तो केतु निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्र सीखना जानना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को 50 साल के बाद आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी चीजों में जाना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मघा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे कौन से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। तो ऐसे व्यक्ति एक शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं, एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, केमिकल, मेडिकल, चश्मे की दुकान, आंखों के डॉक्टर, हॉस्पिटल में रखते कार्य, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी सेंटर, डेंटिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद बैंक के कर्मचारी, शेयर ब्रोकर, फिर इंटीरियर डेकोरेटर और इंजीनियर बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर मघा नक्षत्र को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि मघा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं, और वो चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता और उसकी उन्नति प्रगति बरोबर नहीं होती है। तो जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में जन्म लेता है उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर मघा नक्षत्र शांति पूजा करनी चाहिए, और जब 15 साल का हो जाए तो मघा नक्षत्र शांति पूजा फिर से करनी चाहिए। मेरा और एक वीडियो बना हुआ है मघा नक्षत्र दोष, जो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि मघा नक्षत्र को क्यों दोष लगता है और उसकी शांति पूजा क्यों करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। तो आप वो वीडियो को अवश्य देखें, मघा नक्षत्र दोष वसंत रावल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।